नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का। दोस्तों, एक्सरसाइज 3.6 के पहले जो 10 क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जरूर देखिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जितने क्वेश्चन से कोशिश करूंगा सारे एक्सप्लेन कर दूं, और कुछ उसमें से आपको होमवर्क पे दे देंगे, समझा के होमवर्क में दे देंगे कि आपको ये करना है, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं, क्या देख रहेगा। फाइंड द नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द एन साइडेड पॉलीगॉन। भैया पॉलीगॉन है, ओके, पॉलीगॉन कैसा है कि एन साइडेड है। किसी भी पॉलीगॉन में सपोज कि एन साइड्स है, तो बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ द डायगोनल्स। आपको पॉलीगॉन में डायगोनल्स निकालनी है, ओके। अब एन साइड्स है, डायगोनल जो निकालनी होती है, डायगोनल हमको बनाने के लिए वी नीड टू पॉइंट्स, और एन साइडेड है तो उतने ही उसके वर्टाइसेस भी होंगे। अगर एन साइड्स हैं तो उसके वर्टेक्स या उसके पॉइंट कितने होंगे, टोटल पॉइंट्स कितने होंगे। इसमें टोटल पॉइंट्स होंगे भैया एन, और डायगोनल बनाने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं, डायगोनल्स बनाने के लगते हैं पॉइंट टू, और टोटल पॉइंट्स एन है। तो कुल मिला के कितनी लाइन्स बनाओगे आप, कितनी डायगोनल बनाओगे या कितनी लाइन बनेगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन, कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम एन सी टू ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पर तो भैया साइड भी आ गई भाई, अगर आपको कितने जोड़ना है तो कितने जोड़ोगे, छह पॉइंट है तो वो जब हम एन सी टू लिखेंगे उसमें साइड्स भी आ जाएगी, तो हमें तो डायगनल चाहिए, साइड्स नहीं चाहिए ना। तो नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए फार्मूला क्या बनेगा, यहां पर, यहां नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला बनेगा, दैट इज एनसी टू में से आपको एन माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना है भैया, अगर हम उसको माइनस नहीं करेंगे तो इसमें साइड्स भी आ जाएगी, हमें साइड्स नहीं चाहिए ना, हमें तो साइड्स को छोड़ के जो बचा हुआ है वो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल होगी एनसी टू माइनस एन। अब आपको क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन देके रखा है जहां बोलता है एन इज इक्वल टू टेन, पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, टेन है, तो आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहां होगी दैट इज टेन सी टू, क्योंकि एन की जगह टेन सी टू माइनस टेन, टेन सी टू माइनस टेन मतलब फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल टू, और टेन माइनस टू फैक्टोरियल माइनस टेन, ठीक है। ये टेन को टेन लिखो, इसको नाइन लिखो, इसको एट फैक्टोरियल लिखो, अपॉन में टू इंटू एट फैक्टोरियल लिखो, माइनस टेन लिखो, ठीक है। टेन एट एट कैंसिल, ये 90 अपॉन 2 हो गया, माइनस 10, ये हो गया 45 माइनस 10। तो भैया मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ थोड़ा सा, 45 माइनस 10 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। या इस पूरे को ही शिफ्ट कर लेते हैं, एक फटू के इस पूरे को थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर लें, मतलब लिखने के लिए प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये 10 आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया 35, ठीक है। तो 35 डायगोनल्स आप बनाओगे जब साइड्स आपकी कितनी होगी, जब साइड्स आपकी 10 होगी। अब आपको बाकी के लिए भी फार्मूला लिखना है, तो बाकी के लिए क्या कंडीशन है, ये भी 15 है तो आप क्या लिखोगे, 15 सी टू माइनस 15, इसको सॉल्व कर लो। 12 है तो ये होगा 12 सी टू माइनस 12, 8 है तो आप लिखेंगे 8 सी टू माइनस 8, बस इनको आपको सॉल्व कर लेना है, इसको इसको और इसको, दैट इज इनफ, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके बचे हुए पार्ट्स आपको करना है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्या देख रखा है। देयर आर 20 लाइंस इन अ प्लेन सो दैट नो टू लाइंस आर पैरेलल एंड नो थ्री लाइंस आर कॉन्क्रीट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, तो पहली बात क्या बता रहा है वो कि यहां पर नो, कुल मिला के कितनी लाइंस है, देयर आर 20 लाइंस, ओके, टोटल कितनी लाइंस है, टोटल लाइंस जो है वो है 20, ओके। क्या बोलता है नो, वो बोलता है नो टू लाइंस आर पैरेलल। अब दो लाइन पैरेलल ना हो भैया, दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो फिर क्या होगी, वो अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो देन दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, पहली बात। एंड नो थ्री लाइंस आर कॉन्ग्रेंट, अब मुझे बात बताओ कि दो लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगी, और नो थ्री लाइंस आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब यहां पर इसने इसको काट दिया, लेकिन वो बोल रहा है ऐसा भी नहीं हो, तो फिर तो वो ऐसा होगा, ठीक है ना। मतलब तीन लाइन आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो गए, तो तीन लाइन आपस में कैसे काट रही है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट जो होगा वो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, और एक पॉइंट जो होगा वो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर तीन लाइन हो तो दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं,
ठीक है, दो जगह दो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। क्यों ऐसा, फिर से बता रहा हूँ, वो बोलता है कि नो टू लाइन्स आर पैरेलल, लाइन पैरेलल नहीं है तो फिर वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो थ्री लाइन्स कॉन्करेंट अगर यहाँ से हो जाए तो कॉन्करेंट हो जाए, इस पॉइंट से चले जाए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं बोल रहा, तो ऐसा बोल रहा तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आ रहे हैं, टू आ रहे हैं, तो हमको टू इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे 20 के अंदर, वो निकालना है। तो यहाँ लिखिए द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स, आप चाहे तो पूरा स्टेटमेंट लिखिए कि 20 लाइन्स आर गिवन इन द पेल प्लेन, देन नो टू लाइन्स आर पैरेलल एंड नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, ऐसा पूरा लिख के फिर आप बाद में लिख सकते हैं, दैट इज 20C2। 20C2 क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आ रहे हैं तीन लाइन्स के इसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ लिख दो, इसको लिख दो 20 फैक्टोरियल, इसको लिख दो दैट इज 20 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल और आएगा 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, बस ये ऐसा आएगा। यहाँ लिख लेते हैं 20 फैक्टोरियल को, लिख लो 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल, और अपॉन में लिख लो दैट इज 2 फैक्टोरियल × 18 फैक्टोरियल, बस जी कैंसिल कर दो इसको, आसानी से कट जाएगा, ये कट गया इससे, ठीक। क्या बचता है, बहुत सिंपल सा है, ये बचेगा 20 × 19 / 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दो, ये 10 टाइम कट गया, तो कुल मिला के 190 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, 190 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे आएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। चलिए इसको आप चाहे तो हाईलाइट कर दीजिए, मतलब आसानी से आप इसको बाद में लिखते बैठिए, ठीक है, ये हो गया आंसर, लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यही क्वेश्चन में ऐसा होता 25 लाइन्स होती तो फिर 25C2 लिखते, 30 लाइन्स होती तो 30C2 लिखते, मतलब यही बस, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स अगर बदल जाए तो आपका क्वेश्चन का जो तरीका है वो बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या देके रखा है, 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन अ प्लेन, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेनिंग जॉइनिंग बाय दीज पॉइंट्स इफ नंबर 1 नो थ्री लाइन्स आर कॉलिनियर, और आगे बोलता है नंबर 2 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब यार मुझे बताओ कि आपको 10 पॉइंट्स दिए, 10 में से आपको पॉइंट ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब इसमें क्या बोलता है कि नो थ्री लाइन्स और कॉलोनी है, मुझे बताओ कि लाइन्स बनाने के लिए कितने की जरूरत है, हमें तो दो की जरूरत है, तो हमें रिक्वायर्ड लाइन्स की यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर व्हेन वी वांट टू ड्रॉ अ लाइन हमें दो पॉइंट चाहिए, बोला 3 पॉइंट तो लेना ही नहीं है तो फिर 2 ही पॉइंट लेना है ना, तो 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कैसे होगा, वो होगा NC2 में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कितने हैं, यहाँ पॉइंट 10 है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स कितने होंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे या रिक्वायर्ड लाइन्स जो होगी जो जुड़ के बनेगी, यहाँ पर बोलता है नो थ्री पॉइंट्स आर कॉर्नियर, ओके, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स ऐसे लिखिए, द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड व्हेन नो थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर, और इस केस में होगा 10C2 के इक्वल, 10C2 को 10 फैक्टोरियल लिख लो, नीचे 2 फैक्टोरियल लिखो, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल लिख लो, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल का हो जाएगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, अपॉन में 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा 5 टाइम, तो कितनी लाइन आएगी, 9 × 5 = 45, ये 88 भी कट गया, ठीक है। आइए इसमें बी वाला करते हैं, क्या बोलता है, 4 पॉइंट्स आर कॉलोनियर। अब मुझे एक बात बताया कि ये जो 10 पॉइंट्स थे यहाँ पर कितनी लाइन्स फॉर्म हुई, यहाँ पर 45 लाइन्स फॉर्म हुई 10 पॉइंट्स से। ये बोलता है कि 4 पॉइंट्स जो है ना वो कॉलिनियर हो जाए, ओके। अब इनके कॉलिनियर आने की कंडीशन क्या होगी कि पहली बात तो यहाँ पर पहले लाइन कितनी बन रही है, ओके, व्हेन 10 पॉइंट्स आर यूज्ड वी गेट यहाँ पर 45 लाइन्स, तो यहाँ लिखिए हमको अब अभी क्या चाहिए, हमको ऐसी चाहिए कि 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 4 पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाए, तो पहले तो 4 पॉइंट कॉलिनियर होने वाली लाइन हमको निकालना है, तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास है वो, तो यहां पहले लिखिए कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, जो पहले हमारे पास 45 है उसको लिख लो या 10C2 को लिख लो। फिर रही बात, हमको 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट से हम कितनी लाइन्स बनाएंगे, तो हम 4C2 लाइन बनाएंगे, तो हमको ये 4C2 नहीं ले रहा है ना, क्योंकि तो हमको तो 4 लाइन वाला ही चाहिए, तो 4 लाइन वाला 4 पॉइंट से जो 1 लाइन बन रही है हमको तो वो लेना है, तो वो इसमें यहाँ पर प्लस कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, कुछ भी नहीं इसमें, ये आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल,
10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल होता है, माइनस ये आएगा 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस का 1। चलिए ये यहाँ पर क्या होगा, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। एक काम करो ना यार, इतना सब लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट अगर देखो तो ये 45 है हमारे पास में, तो बस इसकी वैल्यू को यहाँ 45 लिख दो, माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है, और ये 2 इंटू 2 होगा, ये 2 इंटू 2 होगा, 2 जो 4 कैंसिल होगा, तो 3 2 जो 6 बचा, माइनस 6 करके प्लस 1 कर लो, तो ये हो जाएगा 46 में से 6 गया तो, सॉरी 46 में 6 गया तो 40 लाइंस आएगी। बस ऐसे इसको करना है, यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है आपको, 4 पॉइंट्स कॉलोनियर बोले, तो कॉलोनियर बोलने हैं तो पहले उनसे लाइन कितनी बनेगी वो देख लो, उसको टोटल में से माइनस करके प्लस 1 करो। प्लस 1 क्यों, क्योंकि भैया एक लाइन तो होगी ना जो 4 से जाएगी, एक लाइन ऐसी होगी जो चारों पॉइंट से होकर जाएगी, तो इसलिए हमने वो प्लस किया है। ठीक है, ऐसे इसको करना है। ठीक, चलिए अगर आप इसे लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये क्वेश्चन को आप ही को करना है। ठीक है, ये वही देखे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द 12 पॉइंट्स, तो नो 3 पॉइंट्स आर कॉलोनियर, तभी तो ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल बनाने की कंडीशन क्या होती है भैया, 12 पॉइंट्स है, ट्राइंगल बनाना है तो 12 सी 3 हो जाएगा, और नो 4 पॉइंट्स आर कॉलोनियर, 4 पॉइंट्स को कॉलोनियर नहीं लेना है, तो कॉलोनियर वाले जो पॉइंट है 4 सी 3 उस पर से माइनस कर लेना 12 सी 3 में, यू गेट द आंसर। ठीक है, मतलब आपको लगे तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 12 सी 3, क्योंकि आपको ट्राइंगल बनाना है, और इसका आंसर क्या आएगा 12 सी 3 माइनस 4 सी 3। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 पॉइंट्स और कॉलोनियर बोला है तो। अब आप बोलेंगे ये माइनस क्यों किया, अरे भैया 4 पॉइंट्स बोले कॉलोनियर, तो 4 पॉइंट्स जो कॉलोनियर होंगे वो हटा देना होंगे, 4 पॉइंट्स अगर कॉलोनियर हो गए तो ट्राइंगल बनेगा क्या, माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए ऐसा है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ वर्ड हैज 8 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवल्स, ओके, एक शब्द में 8 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वॉवल्स हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड इफ 4 वॉवल्स एंड 2 सॉरी 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स आर चूजन, मतलब आपके पास में एक शब्द है जिसके अंदर 8 वॉवल्स हैं और आपके पास में 8 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वॉवल्स हैं, तो पहले तो मैं थोड़ा सा बॉक्स बना लूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो ठीक है, जो भी है मेरे पास, लेकिन मैं सेलेक्ट कितने कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन जितने कर रहा हूँ उसका ध्यान रखूँ, तो मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, मेरे पास कॉन्सोनेंट्स हैं दैट इज 8, और वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स मेरे पास में 3 है, मुझे इसमें से सेलेक्ट कितने करना है, मुझे इसमें से 4 वॉवल्स 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ से 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इनके सिलेक्शंस देखूँ तो यहाँ पर सिलेक्शन क्या बनेगा, यहाँ सिलेक्शन बनेगा 8C4, और यहाँ का सिलेक्शन कितना बनेगा 3C2, तो लिखिए 3C2। अच्छा, मैं कितने वर्ड्स का, कितने लेटर का वर्ड बना रहा हूँ, 4 और 2 6 लेटर का वर्ड बना रहा हूँ, तो मैं जो वर्ड बनाता हूँ तो वर्ड में अरेंजमेंट भी मायने रखते हैं, तो 6 लेटर का अगर मैं वर्ड बना रहा हूँ तो मैं उसको अरेंज कैसे करूँगा, फैक्टोरियल 6 पे से, ये सारी चीज़ें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो पहले यहाँ लिखिए कि वी कैन सेलेक्ट 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 8 इन 8C4 वेज, देन वी कैन सेलेक्ट 2 वॉवल्स, वी कैन सेलेक्ट 2 वॉवल्स आउट ऑफ 3 बाय 3C2 वेज, ओके, एंड वी कैन अरेंज दी 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर का शब्द है, मैं जब बनाऊंगा तो फैक्टोरियल 6 वे में होगा, सो दैट रिक्वायर्ड या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड क्या होगा, दैट इज ये तीनों का हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, 1, 2 और 3, बस यू विल गेट द आंसर। वो क्या होगा, होगा 8C4 इंटू 3C2 इंटू फैक्टोरियल 6, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यह चलिए मैं करके देता हूँ, ये फैक्टोरियल 8 होगा अपॉन में फैक्टोरियल 4, 8 में से 4 गया तो फिर से 4 फैक्टोरियल इंटू 3C2 का फैक्टोरियल 3 ऊपर का ऊपर, ये 2 और यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल बचता है, और ये 6 फैक्टोरियल है, बस इसको सॉल्व कर लो आप, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है, एंड देन दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
ठीक है, ऐसे इसको करना है। पर ये चीजें समझ में ध्यान में रखो कि आपको इसको इसी तरह से अरेंज करके बताना है। अगर आप इसको ऐसे अरेंज नहीं करते हो तो आपको जमेगा नहीं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या देके रखा है, फाइंड एन। और यहां कुल मिला के 5 क्वेश्चन देके रखे। जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि NC8 जो है वो NC12 के इक्वल है, हमको एन फाइंड करना है। क्या बोलता है ये बताता है कि जो NC8 है वो NC12 के इक्वल है। आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि NCR जो था वो NCS के इक्वल होता है। वो कब होता है, जब या तो R और S इक्वल हो जाए या फिर R प्लस S जो है वो N के इक्वल हो। अब मुझे बताओ कि भैया 8 और 12 यहाँ पर इक्वल है क्या, तो ये कंडीशन तो यहाँ बनेगी नहीं, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। कौन सी वाली, कि जहाँ हम बोल रहे हैं दैट इज R इक्वल टू S, तो ये बात तो यहाँ पर जमने वाली नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। तो हमें जमेगी कौन सी बात, यही बात जमेगी, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्बिनेशन वी कैन राइट हियर N इज इक्वल टू R प्लस S, और R की जगह पर अगर मैं 8 लिख दूँ और S की जगह 12 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 एंड दैट विल बी 20, तो आपका N आ जाएगा 20। इस तरह से आप N फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, आपके मन में सवाल हो कि नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझसे नहीं जमेगा, या प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं रहे, तो भी आप इसको कर सकते हैं कि आपने NC8 लिखा और NC12 लिखा। तो सिर्फ वो है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा, आपको यहाँ लिखना होगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल N माइनस 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 12, ठीक है, और फैक्टोरियल N माइनस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल N, ओके। या फैक्टोरियल N को काट दो अभी, क्योंकि ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला जो है फैक्टोरियल N काट दो ऊपर ऊपर का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल N माइनस 12 फैक्टोरियल, और ये हो गया 8 फैक्टोरियल, और हो गया N माइनस 8 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो 12 है ना, ये 12 फैक्टोरियल को इसको ब्रेकअप करो, इसको लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और ये जो है ना इसको ब्रेकअप करो दैट इज N माइनस 8 N माइनस 9 माइनस 10 N माइनस 11 N माइनस 12। लेकिन देखो यहाँ पर ये जितने आसानी से सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट जो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया उतनी आसानी से नहीं, थोड़ा बड़ा जाएगा ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन हाँ ये भी आप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको क्या करेंगे 12 को हम लिख लेते हैं, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू N माइनस 12 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल लिखो, इसको N माइनस 8 N माइनस 9 N माइनस 10 और N माइनस 11 और साथ ही में N माइनस 12 फैक्टोरियल, और बस ये अब इसको जो कैंसिलिंग करना है उसको कर दो, आप काट दो तो क्या कटेगा, फैक्टोरियल 8 दोनों साइड कट जाएगा, फैक्टोरियल N माइनस 12 कट जाएगा, तो जो बचता है वो है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और ये है N माइनस 8 N माइनस 9 N माइनस 10 और N माइनस 11 है। तो यहाँ बाय कंपेयरिंग आप लिख दो, ठीक है, बाय कंपेयरिंग क्या होगा N माइनस 8 12 के इक्वल आएगा, तो N किसके इक्वल आ गया 12 प्लस 8 के, तो N हो गया जी 20। तो मैंने आपको कहा कि ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी लगा के करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। ये जो मैंने ये वाला जो करके बताया है ये मैंने प्रॉपर्टी लगा के बताया है, दिस आई हैव डन बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके बताया। तो ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है, आपको जैसी अच्छी लगती है वो करिए। वैसे दूसरे वाले में आपको 3N जो है, एक काम कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसमें आगे आता हूँ। देखिए आगे के जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए अगले वाले में क्या होगा कि अगले वाले में आप यहाँ लिख सकते हैं 3N जो है वो 2N प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा, या फिर दोनों का सम 23 के इक्वल आएगा, तो आपको N की वैल्यू दो कंडीशन में वहाँ मिल जाएगी। लेकिन हमको N की वैल्यू वही लेना होती है जो वैल्यू पॉजिटिव में नंबर हो कोई, ठीक है, ऐसा अपॉन में कुछ आता है तो वो नहीं लेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3N इज इक्वल टू 2N प्लस 3, एक कंडीशन ये होगी, या फिर ऐसा होगा कि 3N प्लस 2N प्लस 3 जो होगा वो 23 के इक्वल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कि या तो वो दोनों इक्वल आ जाए या फिर उनका सम N के इक्वल आए ना, उनका सम N के इक्वल आए, तो देखो या तो R और S इक्वल हो जाए या R प्लस S N के इक्वल आ जाए।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ होगा 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एक आंसर तो यहाँ निकल जाएगा सेकंड वाले का, एक सेकंड वाले का आंसर क्या आया, सेकंड का आंसर आ गया है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 आंसर है, ठीक है। और अगले वाले में क्या आएगा, यहाँ पर जब अगर हम देखें तो 3n 2n 5n हो जाएगा और 23 में से 3 निकल गया। यहाँ पर 3n और 2n 5n, 5n 3 इधर चलेगा 30 हो गया, तो 5n कितना हो गया 20 के इक्वल आ गया। तो n कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि 20 अपॉन 4 होगा, ये कितना होगा, ये 20 अपॉन 4, तो 20 अपॉन 5 सर, 20 अपॉन 5 क्या होता है, 20 अपॉन 5 जो होगा वो 4 ही देगा, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड वाले का भी, ठीक। अब मैं काम करता हूँ, ये जो आगे के क्वेश्चन है ना ये आपको सॉल्व करना है, मैं छोड़ रहा हूँ इनको, ठीक। आप कहें तो इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा है जो मैं बता दूं आपको, ये मैंने सेकंड बताया, थर्ड आप कर सकते हैं, थर्ड वाला ले लेते। चलिए थर्ड वाला 21 6n है और 21n² + 5 है। चलिए मैं ऊपर जाता हूँ, 21 सी क्या देखे रखा है वो, राइट क्वेश्चन, दैट इज 21 सी 6n इज इक्वल टू 21 सी n² + 15, n² + 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। बाकी क्या आपको करना है, इसमें क्या करेंगे आप, इसको बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ क्या होगा, हमको ये बताया कि भैया इन दोनों का सम या तो इक्वल होगा, तो यहाँ लिखो कि ये 6n जो है या तो इक्वल होगा n² + 5 के, या 6n + n² + 5 21 के इक्वल होगा। तो एक काम करो, 6n को इधर भेज दो, तो n² - 6n + 5 = 0। तो आपको यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेना है, आप ये इसको लिख सकते हैं आप -5n - n + 5, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ये n² 6n + 5 इसमें से 5 माइनस हो गए 0, तो n² + 6n - 16 = 0। तो फैक्टराइजेशन कर लो, इसको लिख दो n² + 6n को आप लिख सकते हैं कि 8n - 2n, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 8 × 16, ठीक है। ये पेयर बन गया, यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब हम पेयर्स बना लेंगे इन दोनों का और वैसे ही इन दोनों का, बस जी हो गया। यहाँ पर आप n का कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ क्या करो, यहाँ पर n कॉमन निकाल लो तो n - 5 बचता है, -1 कॉमन निकाल लो तो n - 5 बचता है, n - 5 को कॉमन निकाल लो तो आपको n - 1 बचता है, ठीक है जी। अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ n- जो वैल्यू है n - 5 जीरो के इक्वल होगा, या n - 1 जीरो के इक्वल होगा, यहाँ और लिख लीजिए बीच में, तो यहाँ n की वैल्यू 5 आ जाएगी, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैसे इसको करो, यहाँ n कॉमन निकलेगा तो यहाँ n+8 बचेगा, -2 कॉमन निकलेगा तो n+8 बचेगा, तो यहाँ पर n+8 होगा इज इक्वल टू 0 और n-2 होगा इज इक्वल, तो n की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर यहाँ -8 आएगी। अब यहाँ n की वैल्यू -8 है, यहाँ पर ये है, तो ये बात पक्की होगी कि n इज इक्वल टू 2 चलेगा, नेगेटिव का वैल्यू चलेगा नहीं। अब रही बात 5 और 1 की, तो इसमें से कौन सी वैल्यू चलेगी, तो भैया अगर देखें हम इसको उठा के देखें, हमारे पास ये क्या था, ये था 6n इज इक्वल टू n² + 5, तो मैं अगर 1 रख दूँ यहाँ पर तो इधर 6n ही होगा, 6 × 1 1² + 5, तो 6 = 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली वाली ये वैल्यू चलेगी, और अगर मैं 5 रख दूँ, तो 5 रखा तो मैंने यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 6n की जगह 6 × 5 और ये हो जाएगा 5² + 5, तो ये 30 30 तो आ रहा है भैया, लेकिन अगर मैं इसका सम कर दूँ तो वो देखो ना कहाँ जा रहा है वो, अगर मैं ये n की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो 30 और 30 60 हो जाएगा, वो 21 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 5 वैल्यू नहीं चलेगी, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी हम 5 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 1 को ही एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू चलेगी और ये वैल्यू चलेगी नहीं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पढ़ता हूँ आगे, आगे के क्वेश्चन आप ही को करना है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं उसमें कि जो आपको नहीं जमेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा हो गया ही, हाँ जी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ऊपर वाले का ले लीजिए, इसका ले लीजिए और अब इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखे रखा है कि npr जो है वो xncr के इक्वल है, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है, तो यार इसको आप कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं करवाऊँ इसको, ठीक है। आपको npr देखे रखा है तो आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r कर लो, ठीक है, n-r फैक्टोरियल कर लो, x को x रखो, ये फैक्टोरियल n है,
यहाँ फैक्टोरियल आर है और फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो काट दो यार इसको, ये कट गया ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू किसके आ गई, फैक्टोरियल आर के इक्वल आ गई, हो गया खत्म। ऐसे इसको करना है। क्या है इसके अंदर, मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कुछ ऐसा डिफिकल्ट है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ओरल है जो डायरेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 11C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 14C R के इक्वल है और हमको R की वैल्यू निकालनी है। तो यार हमने एक फार्मूला किया था कि NCR और NCR माइनस 1 हो तो N प्लस 1 CR हो जाता है। ठीक है, बस इन दोनों को मिला दो, पहले वाले को लिखो, दैट इज क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, 11C4 11C5 12C6 13C7 ये 14CR के इक्वल है। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों के ऊपर मैं अगर ये वाला फार्मूला लगा दूँ, ऊपर वाला ये वाला फार्मूला अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो क्या होता है, देखो जरा एक मिनट को, इसको मैं लिख दूंगा 12C5 के इक्वल, फिर 12C6 है प्लस 13C7 है और ये 14CR, ऐसा कैसे लिखूँ, क्योंकि हमको लाना है। अब ये दोनों मिल जाएंगे फिर से आपको इन दोनों को ले लेना है, और जब आप इन दोनों को ले लोगे तो क्या होगा, अगली केस में बढ़ जाएंगे, वो 13C6 हो जाएगा। तो लिखो यहाँ 13C6 के इक्वल हो गया, ठीक है, प्लस 13C6 प्लस 13C7 और 14CR। अब फिर से दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 14C7 14CR, तो R की जगह पे क्या आ गया भैया, 7 आ गया, हो गया खत्म, हमें R की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बस इतना ही करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी लगा दो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ देखे रखा है सिग्मा समेशन R इज इक्वल टू 1 to 4, ओके 1 to 4, और यहाँ देखे रखा है दैट इज 21 माइनस आर सी 4, तो इसको मैं ओपन अगर कर दूँ तो 21 माइनस 1 सी 4 21 माइनस 2 सी 4 21 माइनस 3 सी 4 21 माइनस 4 सी 4, बस खत्म, इतना ही लिखना है। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, 21 माइनस 1 मतलब 20 सी 4 हो गया, फिर ये हो गया 19 सी 4 हो गया, फिर ये हो गया 18 सी 4 हो गया, और फिर ये हो गया ये 21 है ना कि 12, 21 लिख दिए हैं, 21 में से 4 गया तो ये हो गया 17C4। ठीक है जी, बस आपको इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, फिर ये आएगा 19 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड दैट इज 15 फैक्टोरियल, फिर आएगा 18 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल, फिर आएगा 17 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 17 में से 4 गया तो 13 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है भैया, यहाँ 4 फैक्टोरियल सब जगह कॉमन है, ठीक है, और सभी को 17 फैक्टोरियल के फॉर्म में तोड़ो तो 17 फैक्टोरियल भी ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, तो निकालो जरा कॉमन, ये 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल निकाल दो, ऊपर बचेगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल प्लस आएगा 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, ठीक है, 17 फैक्टोरियल तरीके से लिखे हम, फिर 18 इंटू 17 फैक्टोरियल और फिर 17 फैक्टोरियल इंटू 1 और सबके अपॉन में लाइन खींच दो, ठीक है जी, सबके अपॉन में लाइन खींच दो, यहाँ आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, 16 को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, यहाँ भी लिखो 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, यहाँ भी लिखो 14 इंटू 13 फैक्टोरियल और यहाँ लिखो 13 फैक्टोरियल। अब देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, देखो 17 फैक्टोरियल सभी जगह पर है, सारा 17 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल अपॉन में से सारा निकाल लो, यहाँ 13 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो ये आया 17 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, बस जी इसको सॉल्व कर लो, 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 16 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 19 इंटू 18 अपॉन 15 इंटू 14, फिर हो जाएगा 18 अपॉन 14 और फिर हो जाएगा 1 अपॉन, सिर्फ 1 ही बचेगा ये, अब बाकी का सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो इसको।
दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सोचा था कि पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर अगला वीडियो अपलोड करना है नहीं करना है। अगर आप कहते हैं कि सर हम कर लेंगे तो फिर मैं आगे क्वेश्चन अपलोड नहीं करूंगा, वो आप खुद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले भैया वीडियो को लाइक कर लो, आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।